नरेंद्र मोदी जी को हम ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा मांग बहुत पुराना मांग है, 1997 से ये हमारा मांग है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। कितने साल हमने एमपी दिया है, 3 साल दे दिया है और साथ साथ एमएलए दिया है, और कमल का फूल इतना बंगाल में तो फूला भी नहीं था उस समय, हमने कमल का फूल फूला दिया है, मगर फिर भी अभी तक कुछ हमारा गोरखाओं का इतना बॉर्डर में हमारा इतना गोरखा लोग सैनिक लोग शहीद हो चुका है भारत देश के लिए। अभी तक भी आप लोग को भी पता होगा कि हमारा सैनिक गोरखा सैनिक है, गोरखा रेजिमेंट है, फिर भी हम लोगों को मोदी जी अनदेखा कर रहे हैं। वो अब लगता है कि यहाँ पर सबका मांग पूरा हो रहा है, गोरखालैंड की आप मांग कर रहे हैं, तो गोरखालैंड बनेगा किस जगह पे? जो तो हमारा अपना मांग है, दार्जिलिंग कर्सियंग कालिम्पोंग और तराई डुवर्स, वो हमारा क्षेत्र है, वो हमारा भूभाग है, हम भूमि के साथ आया है, तो ये हमारा अपना अपना लैंड है, हमारा ये लैंड है, हमको ये नहीं कि हम सेपरेट लैंड नहीं मांग रहे, हम स्टेट अंडर स्टेट मांग रहे हैं। भारत सरकार को ये कहना चाहती है, हम भारतवासी है, गोरखा को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय है, भारतीय नागरिक है, आर्टिकल 3 ए के हिसाब से भी हम मांग रहे हैं, मगर यहाँ पर हम लोग को अन्याय हो रहा है, इतने साल से अन्याय हो रहा है। मोदी जी ने खुद आकर सिलगढ़ी के प्रागण ने बोला था, गोरखाओं को सपना, मेरा सपना हम पूरा करेंगे, और बाद में 11 जनजाति का बोला था, और वो आज लेकर आज हम ये जंतर मंतर में मोदी जी को याद दिलाना आए हैं कि मोदी जी प्लीज आपको हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने सारा देश को सारा कौम को आपने एक एक करके उन लोगों को जो डिमांड है फुलफिल किया, तो अब गोरखाओं का बहुत सारे मेमोरेंडम आप दे चुके हैं गवर्नमेंट को, उनकी तरफ से क्या कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है? लोग कहते हैं थोड़ा धैर्य धारण रखो, आप लोगों का मांग फुलफिल होगा, हम अभी तक धैर्य रह के पेशेंट रख के हमने काम किया है, तो अभी भी हम पेशेंट रखेंगे। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, नहीं हम लोग हमारा अध्यक्ष बिमल गुरु जी है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमल गुरु जी, उन्होंने बोल दिया कि 15 अगस्त तक शायद कुछ होगा तो हम खुशी होगा, तो बहुत खुशी होंगे हम जरूर, मगर 2015 के बाद में शायद मतलब हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, तो शायद रुक मोड़ लेगा, आप भी बीजेपी को बोल नहीं, तो उस समय देखा जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव कैसे आप देखा है? नहीं अभी वो हमारा हेड है, जो हमारा अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमल जी, वो बोलेगा। 10 साल में नहीं कर पाए मोदी सरकार, अब कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, 10 साल में होता अभी हो सकता है, क्यों ना हमारे तो देखो जीतू सिंह ने भी करा था, लक्ष्मी नारायण ने भी करा था, बहुत सारे राजीव गांधी ने भी करा था कि हम गोरखा लैंड बना के देंगे, सब जाके वोट के लिए जब वहाँ जाके अपने कैसे पकड़े, लोगों ने वोट दिए उनको सत्ता मिला है, आज तक जो है गोरखा लैंड नहीं बना, तो आपको क्या लगता है 15 दिन के अंदर 15 अगस्त के अंदर बना होने के लिए? तो 1 सेकंड भी हो सकता है ना, तो 15 तारीख तो अभी तक, अभी आज 4 तारीख है, तो 15 तारीख तो हमारे लिए तो मोदी जी के नहीं लगता कि जंतर मंतर के बजाय आपको एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है? वो तो समय ही बताएगा, अभी नहीं बताएगा, जो हमारा अध्यक्ष है वो बोलेगा, हम अभी नहीं बोलेगा, वो हम नारी मोर्चा के तरफ हमको जो आदेश दिया है, यहाँ पर धरना करना, यहाँ पर तुम लोग नाराबाजी करना, और मीडिया आएगा तो जिन हिसाब से उन्होंने हमको बोल दिया वही ट्रैफिक से बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं।